बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नोटराम लोडीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के चुनाव को लेकर तैयारियां तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से करना शुरू कर चुके हैं। जहां अखिलेश यादव ने कल इस पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज को साफ कर दिया कि उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं आपको बता दें कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने भी इस मामले में अब अपनी बड़ा बयान सामने कर दिया है। आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, उस बयान के मुताबिक आपको बता दें कि कुछ चीजें ऐसी आई है सामने जिसको देखने को लगे कि बीएसपी एक बार फिर 2007 के उस अपने हिट फॉर्मूले को फिर से लागू करने की तैयारी में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 2007 के अंदर जब बीएसपी का सरकार बनी थी, तब नारा जो था बीएसपी का बहुजन सुखाए बहुजन खिताए, उसको बदलकर सर्वजन सुखाए सर्वजन खिताए कर दिया गया था। यानी कि उस समय बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने इस बात को माना था कि ब्राह्मण समाज और दलितों के वोट कॉम्बिनेशन की वजह से बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ी और बीएसपी जो है सरकार में आई। इसके अलावा आपको बता दें कि बीएसपी ने पिछले दिनों ये कोशिश की थी कि शायद एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को मिलाकर अगर हम चुनाव में उतरते हैं तो क्या चुनाव जीत पाते हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद जिस तरीके से निराशाजनक प्रदर्शन हुआ, तो बीएसपी को इस चीज को भी समझ में आ गया कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को मनाने के बाद भी उनकी पार्टियां जो कि सपा बसपा दोनों है, वो मिलकर भी चुनाव नहीं जीत पा रही है। इसलिए बीएसपी एक बार फिर 2007 के उस फॉर्मूले की तरफ जाने की कोशिश में जुटी हुई है। यानी कि ब्राह्मण समाज को जुटाने में बीएसपी अब कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि यही एक वजह है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह पर नेताओं की जो कुर्सी है, प्रमुख नेताओं की कुर्सी है, उसको यानी अध्यक्ष जो अपना नेता बनाया है संसदीय दल का, वो दोनों ही जगह ब्राह्मण है। आपको बता दें कि पहले दानिश अली लोकसभा में नेता थे, लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने हटाकर अब उनकी जगह पर रितेश पांडे को है वो नेता बना दिया गया। वहीं आपको बता दें कि अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर रितेश पांडे, तो राज्यसभा की बात करें तो सतीश चंद्र मिश्रा को बीएसपी ने अपना नेता बना रखा है। मिलेंगे इस नए वीडियो ने अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले अगर आपको वीडियो पसंद आए।